Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Comment करके बताना आपकी life में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. So मैं फिर से आई हूँ एक और new style video लेके. I hope आपको ये style videos अच्छा लगता होगा. Please अगर आपको style मेरे videos अच्छे लगते हैं तो like करना और please don't forget to subscribe and मुझे Instagram में follow कीजिए. तो अब मैं हर रोज आपसे मिल सकती हूँ थ्रू इंस्टाग्राम. अब इंस्टाग्राम में मेरी स्टोरीज आते हैं, पोस्ट आते हैं और बहुत सारा कमेंट ऑप्शंस भी है और स्टोरीज भी बहुत इंटरेक्टिव होती है, तो वहां पर भी हम कनेक्ट हो सकते हैं. तो आप प्लीज फॉलो कर लीजिए मुझे, वहां पर मैं मिलती हूँ आपसे. और लेट्स स्टार्ट. आज का स्टाइल वीडियो क्या है? तो मैं सोची एक लंबा सा स्टाइल वीडियो बनाने के लिए. तो हम लोगों को एक मतलब जीन्स बहुत अच्छा लगता है पहनने के लिए, तो नॉर्मल जीन्स हो या कुछ और जीन्स हो, तो मैं आई हूँ आज आप लोगों के साथ एक वाइड जीन्स का स्टाइल शेयर करने के लिए. और भी बहुत कुछ कपड़े रहेंगे इसमें. यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. आई होप आपको पसंद आएगा. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. स्टार्ट करते हैं वाइड जीन्स के साथ. ये व्हाइट जीन्स है मिस चेस का. ये आपको मिंत्रा में भी मिल जाएगा, अमेजन में भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा. सो मतलब अगर हम जीन्स पहने तो ये काफी कंफर्टेबल होता है. व्हाइट एक अच्छा सा ग्लैमरस लुक देता है. तो व्हाइट जीन्स को हम कहीं भी कभी भी पहन सकते हैं. इसे हम कैजुअल्स टू हायर एंड में भी स्टाइल कर सकते हैं. पर एक बात है, आप जब व्हाइट जीन्स ले लो, कोई भी ब्रांड का ले लो, उसका थिकनेस देखना, अदर वे इट विल बी ट्रांसपेरेंट और वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा. तो ये इसका मटेरियल काफी थिक है, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है और ये थोड़ा लूज फिटिंग है. तो पहले मैं बिल्कुल भी लूज फिटिंग नहीं पहनती थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा लूज फिटिंग ट्राई किया जाए. और मेरे पास दूसरा व्हाइट जीन्स है जो काफी यू नो टाइट है, तो मैंने सोचा दिस इज अ न्यू स्टाइल और लूज फिटिंग. और इसके साथ मैं क्या क्या आउटफिट ट्राई करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो व्हाइट जीन्स के साथ क्या जाएगा? फर्स्ट आई विल ट्राई टू हैव अ व्हाइट टी शर्ट. तो व्हाइट जीन्स एंड व्हाइट टी शर्ट बहुत ही सही क्लासी, ऑल टाइम क्लासी लुक देता है. और उसके साथ आप कोई भी चीज पेयर अप कर सकते हो. कोई भी शूज जाएगा, कोई भी स्निकर जाएगा और आप कुछ भी ले सकते हो पर्स, बट ये आपको एक ग्लैमरस लुक देने वाला है. तो लेट्स स्टार्ट दिस. वी विल शो यू लाइक हाउ इट विल लुक लाइक व्हाइट जीन्स एंड अ व्हाइट टी शर्ट. गाइस ये एक प्लेन व्हाइट टी शर्ट है और ये गेस का है और इसमें थोड़ी सी रेड कलर का एक ट्रायंगल है. और मतलब आप कोई भी टी शर्ट ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गेस का ही लेना है. मुझे ये पसंद है और इसका मटेरियल भी अच्छा है. बस आप देख लेना, व्हाइट है तो थिक होनी चाहिए. सो आप व्हाइट टी शर्ट एंड व्हाइट जीन्स. आई नो मतलब ब्लू जीन्स एंड व्हाइट टी शर्ट इज लाइक एवरीबॉडीज फेवरेट, बट मुझे पता नहीं क्यों व्हाइट टी शर्ट एंड व्हाइट जीन्स बहुत अच्छा लगता है. और इसमें एक रेड कलर का ट्राइंगल है, तो आई एम जस्ट थिंकिंग आई विल पेयर दिस अप विद अ रेड शूज. बट मैं आपको रूम पे नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे कारपेट लगा हुआ है, रूम गंदा हो जाएगा. बट आई विल पेयर दिस विद अ रेड शूज. सो वो बहुत ही मतलब प्योर व्हाइट एंड रेड शूज. एंड अगर आपके पास एक बैग सेम कलर का हो, मतलब रेड कलर का हो, तो अच्छा लगेगा. और पकड़ लीजिए आपके पास कुछ और टी शर्ट है व्हाइट के ऊपर जिसमें थोड़ा कुछ और कलर है. इट कैन बी ब्लू, येलो, वो वट एवर कलर, ग्रीन. तो आप उस कलर का भी शूज और बैग ले सकते हो. मतलब सेम कलर का शूज और बैग मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. आई डोंट नो, इट गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो लुक. तो अगर एक प्लेन व्हाइट सब कुछ हो और उसमें एक पॉपअप रेड शूज हो और रेड बैग हो, आई थिंक दैट्स मेक्स यू रियली डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग. और ये रेडी होना ऐसा कुछ नहीं है, आप पिंक भी ले सकते हो, पिंक के साथ पिंक.
पर थोड़ा सा ब्राइट हो, नियॉन पिंक हो तो बहुत अच्छा जाएगा। या फिर आप ग्रीन भी ले सकते हो, ब्लू भी ले सकते हो, कोई भी कलर, कोई भी कलर जो थोड़ा पॉप अप हो को बहुत अच्छा लगेगा। सो ये थोड़ा पहन के देखते हैं कैसा लगता है। और मतलब ये बहुत ही सिंपल टी शर्ट है। तो ये टी शर्ट आप कहीं पर भी पहन के जा सकते हो। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन, इट्स लाइक यू कैन वेयर इट एनीवेयर। बस व्हाइट है तो थोड़ा मेंटेन करने का प्रॉब्लम होता है, आई नो आई अंडरस्टैंड, बट व्हाइट जो एक लुक देता है, आई डोंट नो किसी और कपड़ों में ये लुक आता है। मतलब इट्स जस्ट गिव्स अ ग्लैमरस लुक इंस्टेंटली। मतलब आपको कहीं जाना है, आपको ड्रेस नहीं पहनना है और आपको ग्लैमरस भी दिखना है, तो व्हाइट जीन्स विथ सम व्हाइट टॉप, इट्स जस्ट इंस्टेंटली ग्लैमराइज एवरीथिंग। आई जस्ट लव दिस लुक। तो मतलब आपको क्या लगता है, आपको क्या सजेशन है, आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट करना। और हाँ, दिखाते हैं ये लुक कैसा आ रहा है। सो गाइज, ये ऐसा दिख रहा है और ये काफी लूज है। एज आई सेड कि अभी लूज का फैशन चल रहा है, लूज बॉटम, और ऊपर में आप लूज भी पहन सकते हो, टाइट भी पहन सकते हो। तो व्हाट यू से, ब्लू जीन्स और व्हाइट जीन्स? कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगता है, ब्लू जीन्स और व्हाइट जीन्स? मेरी तो व्हाइट फेवरेट है। तो ये लुक है। बहुत ही सिंपल लुक है जिसे आप कहीं भी पहन सकते हो। जस्ट आपको बाहर जाना है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, फैमिली के साथ बाहर जाना है, कॉलेज में जाना है, ऑफिस में जाना है, इट्स इज अ मोस्ट कैजुअल लुक, बट कैजुअल येट ग्लैमरस। मतलब ये व्हाइट जो कलर है, ये चीजों को बहुत ग्लैमराइज करता है। तो मतलब आप अगर ब्लू के साथ पहनते तो वो ज्यादा कैजुअल होता, पर आप व्हाइट के साथ पहन रहे हो तो इट जस्ट एलिवेट योर लुक, बहुत ही एलिवेट कर देता है लुक को। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। और एक्सेसरीज, मैं कुछ ज्यादा एक्सेसरीज यूज नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही सिंपल एक्सेसरीज, जस्ट सिंपल इयररिंग्स, हाँ छोटा सा इयररिंग, सिंपल छोटा सा डेंडी सा, और जस्ट 2-3 रिंग्स, दैट्स इट। तो मैं कुछ ज्यादा एक्सेसरीज यूज नहीं करती हूँ। अगर आपको एक्सेसरीज पसंद है तो आप जरूर ट्राई करना और मुझे बताना आपने क्या क्या ट्राई किए हैं। और बैग्स मैं सिंपल रखती हूँ, पर यूजुअली मैं बैग कैरी नहीं करती हूँ, तो मुझे सब कुछ सिंपल लगता है, जस्ट फोन एंड यू जस्ट गो हैव योर कार्ड्स। और अभी तो सब जगह पे सब कुछ चलता है, गूगल पे वगैरह, तो कुछ भी नहीं ज़रूरत होता है। तो अभी अगर आपको मतलब ये लुक कैसा लगा बताना, और मैं आपको फुल लेंथ दिखाऊंगी कि फुल लेंथ में कैसा आ रहा है, और कुछ कुछ मतलब बैग ऑप्शंस भी बताऊंगी, क्या क्या बैग्स यूज कर सकते हैं या फिर कुछ भी ना यूज करो वो भी चलता है।
तो गाइस ये एक पेस्टल ब्लू बैग है जो कोई भी व्हाइट कलर के साथ बहुत अच्छा जाता है, तो व्हाइट के साथ भी ये बहुत ही सही जा रहा है और छोटा सा है, एक चेन भी है इसमें। और इसमें आप इसको खोल के भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, कैरी वैसे कर सकते हो और क्रॉस बॉडी भी ले सकते हैं इसको। मुझे इसका ना ये हैंडल बहुत अच्छा लगा, गोल्डन है और इसके साथ ब्लू कलर का ही एक छोटा सा पैचेस है, तो ये मुझे बहुत ही सही लगता है। मतलब आप कहीं पर भी जाते हो और आपको बड़ा बैग नहीं चाहिए सामने, और पकड़ लो आप मार्केट में जा रहे हो और आपको बड़ा बैग नहीं चाहिए, बस ऐसे ही मूवीज के लिए आप जा रहे हो, तो ये बैग यूज कर सकते हो मूवीज के लिए, तो ये आउटफिट बहुत ही सही है। और स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ जाते हो, छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहते हो, किसी रिलेटिव के घर जा रही हो जस्ट लाइक दैट, तो वो भी बहुत सही रहेगा। और मतलब ऐसे ही कुछ बैग ले लेना जिसमें आपका फोन आ जाएगा, कीज आ जाएंगे और थोड़ा मोड़ा कैश आ जाएगा, लिपस्टिक आ जाएंगे, और क्या चाहिए, और ज्यादा तो कुछ चाहिए भी नहीं है। मतलब अगर अभी ना बड़े बहुत ज्यादा बिग बैग्स कैरी करना मतलब जरूरत नहीं है, तो हम कैरी नहीं करते हैं, तो ये सही जाएगा। तो आप इसके साथ कोई भी ब्लू कलर का शूज पहन सकते हो या फिर व्हाइट भी शूज पहन सकते हो, तो वो सही जाएगा। शूज में इस रूम पे नहीं दिखा सकती हूँ, आपको रूम गंदे हो जाएंगे, तो अदर वे आई वुड हैव पेयर्ड दिस विद अ व्हाइट शूज, आई हैव अ व्हाइट स्नीकर, तो वो काफी मतलब ग्लिटरी भी है थोड़ा, तो और अच्छा जाता है सबके साथ। और व्हाइट जींस के साथ व्हाइट शूज मुझे बहुत सही लगता है। आई डोंट नो आपकी क्या थिंकिंग है, प्लीज कमेंट करना। और ये लुक कैसा लगा आपको? नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ एक ग्लैमरस लुक दिखाने के लिए, जिसमें आप पकड़ लीजिए कहीं पे आप डे टाइम पे लंच पे जा रहे हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और तो आप क्या पहन सकते हो लंच के लिए, तो उसमें आप थोड़ा सा ग्लिटरी मतलब टी शर्ट छोड़ के कुछ अच्छा सा टॉप पहन सकते हैं हम इसके साथ, तो वो मैं शो करूंगी। और आप भी बताना आपको क्या क्या आइडियाज पसंद है, मतलब क्या क्या व्हाइट के साथ पहना जा सकता है व्हाइट जीन्स के साथ, मतलब व्हाइट जीन्स इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट, तो आप बताना जरूर। और लिपस्टिक मैंने ये पिंक कलर का लगाया है, आप कोई भी लिपस्टिक यूज कर सकते हो। नेल्स अभी तो आपको दिख रहा है क्या, सिल्वर कलर है। हाँ ये मतलब सिल्वर कलर नेल ना सबके साथ जाते हैं, व्हाइट के साथ तो बहुत ही अच्छा जाता है। अब व्हाइट भी यूज कर सकते हो नेल्स और सिल्वर एक्सटेंशन भी करा सकते हो, तो वो भी सही रहता है। और चलो आप नेक्स्ट लुक ट्राई करते हैं थोड़ा डे टाइम के लिए। और हाँ ये ऑफिस के फ्राइडे आउटफिट के लिए तो बेस्ट है, द व्हाइट जीन्स व्हाइट टी शर्ट इज बेस्ट फॉर ऑफिस। पर अगर आपको पार्टीज में जाना है, थोड़ा सा इसको एलिवेट करना है, ये तो एकदम बेसिक लुक है, तो आपको क्या ट्राई करना है, लेट्स स्टार्ट। ये थोड़ा इसको एलिवेट कर रहा है लुक को। आई नो आप सोच रहे हो व्हाइट एंड व्हाइट अगेन, बट यस आई लव व्हाइट एंड व्हाइट, व्हाट टू डू आई कांट स्टॉप। So, मुझे ये बहुत सही लगता है, बहुत ही सिंपल बट क्लासी लुक है। अब मुझे ना सिंपल एंड क्लासी लुक बहुत पसंद है, तो मतलब इट जस्ट एलिवेट योर लुक बट इट्स वेरी सिंपल, तो आप इसे कहीं पर भी पहन सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको बस बहुत ही क्या बोले चमक धमक वाला कपड़े पहनना है, तो मतलब सिंपल कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं, ज्यादा एलिगेंट लगते हैं। तो मुझे तो ये एक टॉप है, ये काजो का है जो मैंने मिंत्रा से लिया है, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो इसमें ये मतलब बहुत ही सिंपल है, और अगर आप इसे ऑफिस के साथ पहनना चाहते हो तो कोई भी जैकेट ले सकते हो या कोई भी ब्लेजर टाइप का कुछ ले सकते हो,
क्योंकि ऑफिस में ये थोड़ा छोटा होगा, अदरवे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो ये तो परफेक्ट है। तो अगर आपको ये ऑफिस में पहनना है तो कुछ इसके ऊपर शक भी हो सकता है, इसके साथ आपका जैकेट भी जा सकता है, इसके साथ कोई अगर डिपेंड्स ऑन विच पार्ट यू स्टे, तो आप कुछ भी लाइट कलर लाइट ले सकते हो। समर है तो एक शर्ट ले लेना, और विंटर है तो आप जैकेट पहन लो, और सेम उसके साथ आप व्हाइट शूज पहन लो। व्हाइट शूज सभी सबके पास है दुनिया में, तो इट्स जस्ट गिव्स यू अ वेरी क्लासी लुक, और ये फ्राइडे के लिए तो बेस्ट है। मतलब आप कभी भी पहन सकते हो, पर फ्राइडे यू नो फ्राइडे वी लव टू ड्रेस इट अप, सो इट विल बी ऑसम। सो स्टाइल अप करते हैं इसको गाइस। वह इसके साथ प्यार करने के लिए ये जिमा लोटो के ब्लेजर है ये, पर बहुत ही लाइट है। मतलब मैं बैंगलोर में रहती हूँ तो ये बैंगलोर में बहुत कंफर्टेबल है। बैंगलोर में ना तो बहुत ठंड पड़ती है ना तो बहुत गर्मी होती है, तो आप कभी भी इस टाइप के ब्लेजर और इस टाइप के कपड़े आप पहन सकते हो। तो आप ऑफिस जा रहे हो या फिर आप कॉलेज में हो या फिर आप थोड़ा मतलब शो ऑफ नहीं करना चाहते हो स्किन, तो ये पहन सकते हो आप, बिल्कुल पहन सकते हो। मतलब और ये इंडिया के दूसरे पार्ट में भी पहन सकते हो अगर आपका गर्मी का सीजन ना हो। गर्मी के लिए मेरे पास एक और मतलब शर्ट है जो काफी ब्लेजर की तरह दिखता है, पर आप उसे गर्मी में भी कहीं पर भी पहन सकते हो। तो ये थोड़ा गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, और ये बहुत ही गॉर्जियस है। एक्चुअली बहुत गॉर्जियस है, इसका ये सामने का डिटेलिंग मुझे बहुत पसंद है, और ये व्हाइट एंड ब्लैक का स्ट्राइप है ना, काफी कूल और कैजुअल लगता है, उतना ज्यादा फॉर्मल भी नहीं और कूल भी है। मतलब आप किसी दिन में भी पहन सकते हो इसे काफी। और हाँ, ये जेमा लोटो का है ये, इसका कपड़े ब्लेजर्स काफी अच्छे होते हैं, मैंने यूज किया है, काफी अच्छे लगते हैं मुझे। तो अगर आपके यहाँ पे बहुत गर्मी है तो मेरे पास एक और है जो मैं आपको शो करती हूँ। ये है काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट कलर का है, इसमें ना पफ स्लीव होते हैं, तो अगर आपके वहां पे बहुत गर्मी है पर फिर भी आप स्किन शो नहीं करना है या फिर ऑफिस में हो तो आप ऐसे तो नहीं पहन सकते हो, पर फिर भी स्टाइल तो करना ही है, तो हम इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका मटेरियल एकदम ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो आप इसे मतलब समर में भी यूज कर सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो, तो आपको ये गर्मी का जो प्रॉब्लम है वो नहीं लगेगा। तो ये भी फुल कवर है, तो आप किसी इसे भी मतलब किसी और के साथ भी इस टाइप के नो इफ यू हैव अ कवर अप तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो दोनों में एक तो ट्राई जरूर करना, और मतलब आपको कैसा लगा बताना जरूर, तो मैं आपको अब शो करूंगी कैसा लग रहा है, मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, और मतलब वाइट के साथ कैसा जा रहा है वो मैं बताऊंगी। और आपके पास कुछ और आइडियाज हो, जो मुझे कभी कभी लगता है पूरा व्हाइट के साथ एक नियॉन कलर, मतलब कोई भी एक नियॉन कलर, मतलब पूरा व्हाइट पहन रहे हो, और अगर आप मतलब गर्मी के सीजन पे नहीं हो तो एक नियॉन कलर का जैकेट पहन लो, तो वो काफी कूल और कैजुअल लगेगा, तो वो आप ट्राई करना जरूर, तो आपको कैसा लग रहा है वो बताना, और मैं ये आपको शो करती हूँ।
गाइस, आपको दोनों ये जो जैकेट्स है, मतलब श्रग है, ये दोनों में कौन सा अच्छा लगा? मतलब पहला वाला और ये वाला, वो स्ट्राइप है ब्लैक के साथ और ये वाला, मुझे तो दोनों पसंद है। फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। मतलब ये देखिए, एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो आप कहीं पर भी पहन सकते हो, किसी भी सिटीज में आप रह सकते हो, रहते हो, आप उसे जरूर पहन सकते हो। सो गाइस लेट्स, ये तो बहुत ही कैजुअल वाला आउटफिट था, कैजुअल एंड क्लासी। फिर हम व्हाइट को बहुत ही, मतलब थोड़ा सा अपग्रेड करके थोड़ा ग्लैमरस भी ड्रेसअप कर सकते हैं, अगर वी यू चूज अ डिफरेंट टॉप। मतलब अगर आप हम दूसरा कोई टॉप थोड़ा ग्लैमरस, थोड़ा सेक्सी लुक के लिए, तो वो ऐसा टॉप भी पहन सकते हैं। तो ये वाला था ऑफिस लुक, मतलब आप ऑफिस में अगर पहनना चाहो, या फिर आपका अगर पकड़ लो आप वीकेंड्स पे लंच पे बाहर जा रहे हो, या किसी फ्रेंड के घर जा रहे हो, या फिर वीकेंड शॉपिंग पे जा रहे हो, मूवी स्टेट पे जा रहे हो, तो आप कैजुअल बट लिटिल यू नो ग्लैमरस, लिटिल मोट क्लासी, ऐसा क्या पहन सकते हो। तो मैं आपको दो तीन ऐसे टॉप दिखाऊंगी जो आप इसके साथ पेयर अप कर सकते हो, और ये आपको एक एलिवेटेड एंड ग्लैमरस लुक देगा। तो मतलब जीन्स के साथ और क्या क्या हम ट्राई कर सकते हैं। सो मुझे तो व्हाइट एंड पिंक बहुत पसंद है, सो मैं पहला टॉप आपको शो करती हूँ पिंक कलर का। सो गाइज, ये एक स्ट्रैपी टॉप है, पिंक है, बहुत ही ब्राइट कलर है। तो अगर आप लंच पे जा रहे हो और आपको व्हाइट के साथ कुछ पहनना है, तो इस टाइप का कुछ आप ट्राई कर सकते हो वीकेंड के लिए। मतलब इट्स जस्ट स्ट्रैपी, इट जस्ट गिव्स यू अ ग्लैमरस लुक, इट जस्ट गिव्स यू अ एलिवेटेड लुक, तो इसे आप ट्राई कर सकते हो। और काफी ब्रीदेबल मटेरियल है और लूज भी है, तो टाइट नहीं होता ये, और मुझे बहुत टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते। मतलब इट शुड बी ब्रीदेबल, मतलब फैशन हो बट कंफर्ट नहीं जानी चाहिए। मतलब फैशन अगर आप कंफर्ट के साथ कर सकते हो, दैट्स द बेस्ट, दैट्स माय स्टाइल, कंफर्ट विद फैशन एंड स्टाइल, तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है। और आई विल शो यू अदर टॉप्स, और इसे मैं ट्राई करके आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है, और आप जरूर ऐसे कुछ ट्राई कीजिए। और इसके साथ कोई भी पिंक कलर का बैग ले लीजिए, पिंक कलर का शूज पहन लीजिए, तो ओवरऑल लुक विल बी वेरी गुड। तो आई विल जस्ट शो यू।
गाइस, तो मैं ये टॉप के साथ एक पिंक कलर का बैग यूज करना चाहती हूँ और नीचे मुझे व्हाइट स्नीकर बहुत पसंद है। आप पिंक स्नीकर भी पहन सकते हो और आपको अगर हील पहनना है तो आप हील पहन सकते हो, पर मुझे कंफर्टेबल शूज बहुत अच्छा लगता है। आई लव स्नीकर्स एंड बूट्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई वेयर स्नीकर एंड बूट्स। मेरे पास बहुत सारा हील पड़ा हुआ है, आई डोंट नो व्हेन आई विल बी वेयरिंग देम, क्योंकि मुझे कंफर्ट से आगे कुछ नहीं लगता है। तो मतलब अगर आपको वॉक करना है तो स्नीकर, और अभी जो चंकी स्नीकर्स आए हैं तो मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैं वो ट्राई करूंगी। इसके साथ मैं व्हाइट स्नीकर या फिर कोई एक चंकी स्नीकर, मेरे पास एक मल्टी कलर चंकी स्नीकर भी है, मुझे वो भी पसंद है, तो वो मतलब इसके साथ भी जाएगा। उसमें पिंक भी है, ग्रीन भी है, सब कुछ मिक्स कप करके वो अच्छा लगेगा। और ये बैग तो क्लासी है ही, तो इसके साथ ये बहुत सही जाता है। आपको कुछ मतलब और कुछ कैसा लगा ये आउटफिट और कॉम्बिनेशन बताना जरूर। तो और भी ऐसे दो तीन ड्रेस है, मतलब टॉप्स है, जो हम इस वाइट जींस के साथ ट्राई मतलब पेयर अप कर सकते हैं, वो भी हम ट्राई करेंगे। और अगर आप समर मतलब किसी सीजन में हो, दिस ड्रेस इज ऑसम, मतलब ऑसम है। और अगर आपको मतलब ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो आप इसके साथ जो व्हाइट कलर का श्रग था वो आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी मतलब श्रग ट्राई कर सकते हो, पर व्हाइट के साथ व्हाइट ज्यादा अच्छा जाएगा। तो आप कोई भी व्हाइट कलर का श्रग ले लेना, कोई एक पिंक कलर का बैग ले लेना, और मैचिंग शूज व्हाइट और पिंक, और मे बी चंकी वन, सो विच इज अ मल्टी कलर, सो इट विल गो। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट सम अदर कलर, मतलब अगर पकड़ लो आपके पास ग्रे कलर का कुछ है, मतलब ग्रे उतना खराब नहीं लगता है अगर मटेरियल अच्छा हो तो। तो मेरे पास एक और ग्रे कलर का है जो मुझे लगता है इसके साथ बहुत ही सही जाएगा, सो आई विल शो यू दैट। थोड़ा ग्लैमरस लुक भी है, वो भी आप मतलब वीकेंड आउटफिट की तरह यूज कर सकते हो, तो वो मैं शो करूंगी कैसा लग रहा है। तो मतलब ये हो गया दो आउटफिट, और इसके साथ कुछ भी ब्राइट कलर आप पहन सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको पिंक ही लेना है, कोई भी कलर का। मैं तो आपको टाइप दिखा रही थी कि ये टाइप बहुत ही सही जाता है, तो लेट्स ट्राई सम अदर आउटफिट। ये वेलवेट मटेरियल का है, ग्रे है, थोड़ा सा ब्लैक बॉर्डर है, और ये भी स्ट्रैपी है। आई डोंट नो, आई एम लव विद स्ट्रैपी यू नो टॉप्स, मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास बहुत सारा है, और स्ट्रैपी आउटफिट बहुत ही कंफर्टेबल होता है। और अगर आपका भी मेरे जैसे, मैं थोड़ी टॉल हूँ तो आपको भी मेरे जैसे थोड़ा टॉल हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब ये लंबे होते हैं तो अच्छा लगेगा ये पहनते हुए। एंड वाइट एंड ग्रे, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है जो मुझे बहुत ही क्लासी लगता है, मतलब इट्स जस्ट अ क्लासी आउटफिट। तो आप बताना, इसका मटेरियल वेलवेट है पर ये गर्मी नहीं होगा, मतलब यू कैन वेयर इट इन अ समर सीजन ऑल्सो, मतलब आप कहीं पर भी रह रहे हो, मतलब मैं तो कोलकाता से हूँ तो मैं वहां पर भी पहन सकती हूँ इसको, तो मतलब ये आउटफिट आप कहीं भी पहन सकते हो, गर्मी तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। क्या लग रहा है आपको, आपको ये आउटफिट कैसा लगा बताना, और इसके साथ आप कोई भी ग्रे कलर का, फिर व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर का बैग ले सकते हो। तो आप देखो कौन सी कलर का बैग आपको अच्छा लगेगा, और कोई भी मतलब मुझे तो स्लिंग बैग्स बहुत सही लगता है, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, मतलब आप बस लगा लो और चलते बनो। तो आप अगर डेट नाइट पे जा रहे हो, मूवी नाइट मतलब मूवी डेट पे जा रहे हो, या फिर लंच डेट पे जा रहे हो, या इवनिंग पे जा रहे हो, मुझे तो ये इवनिंग में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये इवनिंग में जा रहे हो क्योंकि ये थोड़ा सा ग्लोइंग है तो इवनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप इसे पहन सकते हो। एंड माय नेल्स, इट्स मैचिंग, आई जस्ट रिमेम्बर, ये नेल्स भी मैचिंग है, तो आपको कैसा लगा बताना। ये कैसा लगा, और इसके साथ कुछ और ब्लैक कलर का भी आप टॉप पहन सकते हो, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट इज ऑल टाइम फेवरेट, वो भी बहुत सही जाता है। और
ब्लैक ले सकते हो, व्हाइट तो हो ही गया है। अगर ब्लैक लेने तो प्लीज ट्राई करना ब्लैक शूज पहन के, नहीं क्या, क्योंकि शूज तो अच्छा लगेगा ज्यादा, मतलब व्हाइट ब्लैक। और बूट्स मेरी फेवरेट है, आपको जो भी सही लगे, मतलब आप स्लीपर भी ले सकते हो, सैंडल भी ले सकते हो, कैजुअल आउटफिट भी मतलब कर सकते हो, स्निकर भी पहन सकते हो, कुछ भी, और ब्लैक बैग जरूर लेना। आपको ये आउटफिट कैसा लगा जरूर बताना। और अगर आप मतलब ये थोड़ा ग्लिटरी ग्लैमरस है तो आप इसे इवनिंग में भी जा मतलब ले सकते हो। तो अगर आप इवनिंग में जा रहे हो, थोड़ा पार्टी वाला है, तो ऐसा एक क्लच जरूर ले लेना। इसमें भी चेन्स लगाने की ऑप्शंस है, तो व्हाइट के साथ काफी सही जाएगा। ये मिंत्रा से लिया हुआ है, काजू का है, तो आप जरूर बताना, मतलब आपका फोन, एक लिपस्टिक, कुछ छोटे से यू नो कीज, छोटे सामान रह जाएंगे, थोड़े से तो स्पेस है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है बिकॉज इट्स व्हाइट, तो व्हाइट आप किसी भी आउटफिट के साथ जाता है, कोई भी आप लाइट कलर पहनो तो ऐसा एक क्लच आप ले ही सकते हो जो काफी क्लासी होता है। तो आप इसे यूज कर सकते हो और बताना जरूर आपको ये आइडियाज कैसा लगा। तो आप और इसके साथ एक व्हाइट बूट्स, मैं तो बूट्स पहनती हूँ, अगर आपको हील्स पहनना है तो व्हाइट कलर या सिल्वर कलर यूज मतलब पहन सकते हो आप, तो पूरा आउटफिट बहुत ही ग्लैमरस रहेगा। वुड यू से फुल ग्लैमरस आउटफिट विद व्हाइट जीन्स, काफी सिंपल बट ग्लैमरस बट क्लासी। तो मेरे तो वन ऑफ द फेवरेट है ये, आपको कैसा लगा जरूर बताना, भूलना मत। और आप मेरे आउटफिट आइडियाज इंस्टाग्राम में देख सकते हो, मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी भेज दूंगी, प्लीज लेट्स मीट अप देयर आल्सो इन इंस्टाग्राम।
गाइज वी कैन पेयर दिस वाइट जींस विद अ ग्लिटरी क्रॉप टॉप। अगर आपको पार्टी क्लब्स और फ्रेंड्स के साथ इवनिंग आउट पे जाना है, डाइन आउट पे जाना है, कोई नाइट इवेंट हो, तो आप कोई भी क्रॉप टॉप पहन सकते हो इसके साथ, और थोड़ा ग्लिटरी हो तो पार्टी के लिए ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप ये फैशन स्टाइल भी ट्राई कर सकते हो। मेरी तो फेवरेट है कि अगर आप बाहर आने के टाइम आपको लगे कि इसके साथ एक जैकेट ले लो, तो वो बहुत ही सही लगता है। तो आप जरूर ट्राई करना ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर का, ग्रीनिश ब्लू है ये कलर का क्रॉप टॉप पहनी हुई हूँ, जो थोड़ी ग्लिटरी भी है, तो मुझे ये पार्टी के लिए बहुत सही लगता है। और मैं इसके साथ, मतलब ऐसा कोई भी आप पहन सकते हो, कुछ और भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मतलब कोई भी क्रॉप टॉप आप ट्राई कर सकते हो, और थोड़ा सा अगर आपका वाइट जीन्स, ऐसे मेरा थोड़ा हाई वेस्टेड है, इट्स क्वाइट हाई वेस्टेड, सो इट विल लुक गुड ऑन यू। सो आप देख लेते हैं कैसा लगता है। और इसके साथ आप कोई भी पार्टी वेयर बैग्स ले सकते हो, छोटा सा, और मतलब कोई भी स्लिंग बैग, या फिर आप पॉकेट में भी रख सकते हो अपने सामान, या फिर जैकेट में रख सकते हो। सो गाइज प्लीज ट्राई करना ये, और आप बताना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कैसे टाइप का आउटफिट आपको पसंद है। तो मेरा ये क्रॉप टॉप है, मैं मिंत्रा से ऑर्डर की हूं, वन शोल्डर है, और इसका मटेरियल काफी अच्छा है, दिस इज नॉट एट ऑल विजिबल। सो जो भी आप कपड़े लो, प्लीज मेक श्योर इट्स थिक एंड नॉट विजिबल, और लेंथ भी सही है क्रॉप टॉप की। तो मैं दिखाती हूँ आपको, और ये स्ट्रेची भी है, सो फिटिंग्स काफी सही आते, काफी स्ट्रेची है, और मतलब साइज ठीक है, तो क्वाइट क्लासी है। अब कोई भी, मतलब आप पार्टीज में यूज कर सकते हो, डेस्क में, पब्स में, आप जहां पर भी जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कहीं गए या पार्टीज में, तो आप इसे जरूर ट्राई करना। तो ये क्रॉस बॉडी स्मॉल बैग है, जो क्वाइट पेस्टल ब्लू है, और इसके साथ मैचिंग लग रहा है, और ये बहुत छोटा है, तो पार्टी के लिए बहुत सही लगता है। तो आप ऐसा कुछ बैग ट्राई कर सकते हो पार्टी के लिए, और मतलब बहुत ही छोटा है, पर इसमें आपका सामान आ जाएगा। तो आप इसे, इस टाइप का कोई भी मतलब बैग आप यूज कर सकते हो, और कलर भी मैचिंग लग रहा है, एक जैसे ब्लू, एंड दिस इज आल्सो काइंड ऑफ यू नो ग्रीनिश ब्लू, सो दोनों का कलर सेम है। ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो, या फिर कोई भी आप ग्लिटरी टाइप का बैग यूज कर सकते हो, या पर्स यूज कर सकते हो छोटा सा। तो पार्टी में हम थोड़ी ना बड़े बड़े बैग लेके जाते हैं, तो कोई भी छोटा सा हम पार्टीज में यूज कर सकते हैं। तो गाइज आप बताना आपको ये लुक कैसा लगा, और आपको कोई और मतलब कलर का मतलब क्रॉप टॉप पसंद है, तो वो भी प्लीज कमेंट करके बताना, विच टाइप ऑफ क्रॉप टॉप यू लाइक, एंड इज दिस लुक इज गोइंग गुड।
तो क्लब और पार्टी के लिए आप कोई भी क्रॉप टॉप यूज कर सकते हो, कोई भी मतलब दूसरा टाइप का भी क्रॉप टॉप आप यूज कर सकते हो, नॉर्मल टॉप्स भी आप यूज कर सकते हो व्हाइट के साथ, और व्हाइट के साथ आई फील सब कुछ जाता है. इट्स जस्ट माय फेवरेट, व्हाइट इज लाइक बॉटम इज माय फेवरेट, आई डोंट नो, व्हाइट व्हाइट डेनिम इज माय फेवरेट. सो नेक्स्ट मैं लाई हूं एक और क्रॉप टॉप. ये पिंक कलर का है और ये सेरा का है, ये भी मिंत्रा से है और स्ट्रैपी है. ये आप इस पे एडजस्ट कर सकते हो, तो मतलब लेंथ का एडजस्ट कर सकते हो इसमें, और लेंथ भी काफी अच्छा है और ये थोड़ा ग्लिटरी है. तो कोई भी नाइट आउट में, मतलब आप कोई भी पार्टीज में जा रहे हो, कहीं पर भी पब्स में जा रहे हो, दोस्तों के साथ डिनर पे जा रहे हो, कोई भी पार्टीज टाइप की या फिर हाउस पार्टीज में भी, अभी तो हाउस पार्टीज में भी सब में नो ड्रेसअप होके आते हैं, तो हाउस पार्टीज में भी सही रहेगा. तो कोई भी पार्टी के लिए आई विल प्रेफर अनदर कलर, अनदर यू नो क्रॉप टॉप, विच इज आई थिंक दिस स्ट्रैपी थिंग्स इज वेरी गुड फॉर यू नो एवरीवन, बिकॉज हम सब की हाइट सेम नहीं है ना, तो अगर हमें अपना यू नो मतलब हाइट के हिसाब से हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो ये एक काफी अच्छी चीज होती है स्ट्रैपी की. तो मैं हमेशा बहुत सारे स्ट्रैपी यू नो टॉप्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी लंबी हूँ तो मुझे दूसरे टॉप्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और स्ट्रैपी में थोड़ा यू नो हाइट मैं एडजस्ट करके ठीक कर लेती हूँ. और तो आप भी ऐसा कुछ भी ट्राई कर सकते हो, इट्स नॉट दैट कि आपको ये ही लेना है, इट्स जस्ट आई हैव ट्राइड दिस अनदर कलर विच इज वेरी प्रिटी कलर. मतलब ये पिंक कलर, पिंक इज लाइक गर्ल्स फेवरेट, तो सबके साथ जाता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो. तो मैं आपको दिखा रही हूं मतलब ये कैसा इसका लुक आ रहा है, कौन सा बैग मैं इसके साथ कैरी करना चाहूंगी. तो ये गोल्डन न्यूड कलर की एक बैग है जो आप ट्राई कर सकते हो, और इसके साथ एक गोल्डन न्यूड कलर का हील और शूज, और बहुत सारे यू नो स्निकर आते हैं जो थोड़ा ग्लिटरी होता है, वो ऐसे कुछ लेकर वी विल गो विद दिस. तो आप ये वाला छोटू सा बैग है, मतलब इसमें बस एक फोन, हाँ इसमें बहुत कुछ आ जाएगा एक्चुअली, फोन आ जाएगा, आपकी कीज आ जाएंगे, लिपस्टिक आ जाएंगे टचअप के लिए, यू शुड बी कैरिंग लिपस्टिक फॉर द टचअप, सो आ जाएगा ये. तो ऐसा आप कुछ ट्राई कर सकते हो, और या फिर व्हाइट कलर का कोई भी बैग ले सकते हो, बिकॉज वी हैव वेयर अ व्हाइट पैंट, सो व्हाइट स्नीकर एंड व्हाइट बैग, दैट विल ऑल्सो गो वेरी गुड विथ दिस. नेक्स्ट गाइज वी शुड ट्राई आउट सम ट्यूब टॉप्स. मुझे ट्यूब टॉप्स बहुत पसंद है, और ट्यूब टॉप्स मतलब आपका कोई भी लुक एलिवेट करता है, थोड़ा यू नो पार्टी वेयर बनाता है, थोड़ा नाइट आउट बनाता है, थोड़ा क्लासी बनाता है, थोड़ा यू नो इट गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो लुक टू योर आउटफिट. फॉर मतलब एक प्लेन जींस के साथ आप एक
अच्छा सा ट्यूब टॉप पहनो तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप कोई भी टाइप का ट्यूब टॉप्स यूज कर सकते हो इसमें, कोई भी स्टाइल का तो अच्छा रहेगा। आप कोई भी थोड़ा सा मतलब पॉपअप कलर या फिर थोड़ा न्यूट्रल कलर कुछ भी ट्राई करें, क्योंकि व्हाइट के साथ तो सब कुछ जाता है। तो उसके हिसाब से आप अपने शूज और बैग चूज कर लोगे तो सब कुछ मतलब सही जाएगा, सब कुछ स्टाइल एकदम सही जाएगा। तो मैं एक ट्यूब टॉप ट्राई करूंगी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसा लग रहा है। तो आप ये स्टाइल जरूर ट्राई कर सकते हो, और उसके साथ कौन सा बैग और कौन सा शूज मैं ट्राई करूंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरा ट्यूब टॉप है एक प्रिंटेड ट्यूब टॉप जो मैं शो करूंगी, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, मतलब इट्स जस्ट योर चॉइस, आप जो आपको पसंद है वो आप ट्राई कर सकते हो। बट अगर आप कोई भी कलर के यूज कर रहे हो उसके साथ कुछ सिमिलर कलर का बैग और शूज जरूर यूज करना, तो आपके लुक को थोड़ा एलिवेट करता है। तो ऐसा कुछ आप ट्राई करके देखना जरूर। Guys, next we will try this pista color. This is a kind of tube top, but also it has a strap. So this is kind of strappy top. So ye try karke dekhenge. Pista color hai, green hai, and white and green bahut hi sahi jayega abhi. To white ke saath sab sare color try karke dekhte hain. Matlab kya aisa lagta hai? Kaun sa color sahi jata hai? To यू विल गेट एन आइडिया, मतलब हम लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि हम क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये ट्राई करके देख रही हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। तो आप जरूर बताना मुझे कौन कौन सा आउटफिट आउटसाइड में पहनना चाहिए और कौन कौन सा नहीं पहनना चाहिए, सो दैट विल बी हेल्प फॉर मी। प्लीज प्लीज बताना मुझे। ये तो मैंने सोचा है ट्राई करूंगी, मैं इंस्टाग्राम में डालूंगी दिस ट्यूब टॉप, पर आप ये बताना जरूर कि ये ऐसे टाइप का पहनना चाहिए कि नहीं। तो मतलब ये भी एक मतलब ट्यूब टॉप टाइप का ही है, पर इसमें स्ट्रैप है जो एडजस्टेबल है। ये स्ट्रैपी आउटफिट मुझे सबसे अच्छा लगता है ये एडजस्टेबल स्ट्रैप की वजह से। तो लेंथ का कोई इश्यू नहीं होता, नहीं तो मुझे हमेशा टॉप खरीदने में ना हमेशा लगता है कि ये लेंथ छोटा हो जाएगा, और हमेशा ही क्रॉप टॉप मुझे बहुत छोटा होता है, और हाई वेस्टेड जीन्स भी मुझे छोटे होते हैं क्योंकि मेरा हाइट थोड़ी ज्यादा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई भी स्ट्रैपी आउटफिट जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हो स्ट्रैप्स को, तो ये आपका प्रॉपर लेंथ पे आ जाता है। और पिस्ता ग्रीन के साथ क्या जाएगा? ब्लू, यस मे बी पेस्टल ब्लू, यू नो कलर का कोई भी, या आप क्लच और पिस्ता कलर का कोई भी क्लच या साइड बैग और स्लिंग बैग कुछ भी आप यूज कर सकते हो। और इसके साथ मुझे लगता है व्हाइट शूज ही बेस्ट होगा इसके लिए। तो आप ट्राई करना कोई भी व्हाइट शूज और पिस्ता कलर का ये वाला स्ट्रैपी आउटफिट इसके साथ। तो आप बताना आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो अब मैं तो अभी तक ये बाहर में तो ये कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई की हूँ, तो आप जरूर बताना आई शुड ट्राई दिस और नॉट, मतलब आपको कैसा लगा, आपकी कोई मतलब कोई आपको सजेशन हो कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे सही लगा, और मतलब ऑफिस से लेके मतलब ऑफिस से लेके कैजुअल डे आउट से लेके डे आउट पार्टीज नाइट पार्टीज कौन सा आउटफिट आपको सबसे सही लगा,
और कौन सा कॉम्बिनेशन आपको सही लगता है और कुछ सजेशंस होगा। हमेशा हम जो खुद ट्राई करते हैं हमें नहीं पता होता है, तो कोई और बताता है तो हमें सजेशंस फिर पता चलते हैं, अच्छा वो हम वो भी ट्राई कर सकते हैं, हम ये भी ट्राई कर सकते हैं, तो वो प्लीज बताना जरूर। और हाँ, फॉलो इंस्टाग्राम भी करना, और इंस्टाग्राम में मैं काफी इंटरेक्टिव स्टोरीज डालती हूँ, तो उसमें आप बता सकते हो, तो आपको जो मतलब आपको जो सजेशन है तो एकदम चला आएगा मेरे पास, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ तो ये सही लग रहा है कि नहीं। तो गाइस प्लीज हेल्प मी ऑन दैट, चलो मैं ये ट्राई करके देखती हूँ। एकदम सही लग रहा है, अगर आप वीकेंड पे कहीं पे डे पे डेट पे जा रहे हो, या फिर मूवीज जा रहे हो, या फिर लंच पे जा रहे हो दोस्तों के साथ या कोई स्पेशल के साथ, तो आप इसे जरूर ट्राई करना। तो नेक्स्ट हम लोग व्हाइट के साथ अभी तक येलो ट्राई नहीं किए, तो लेट्स ट्राई अनादर येलो टी शर्ट ट्राई करते हैं येलो कलर का, तो वो कैसा जाएगा। मुझे लगता है व्हाइट एंड येलो कॉम्बिनेशन भी बहुत सही जाएगा, तो अभी तक हमने बहुत सारे कलर ट्राई कर लिए हैं, लेट्स ट्राई येलो। और मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है व्हाइट एंड येलो भी एक अच्छा लुक देगा, तो लेट्स ट्राई येलो एंड वी शुड चेक इट आउट हाउ इट इज कम्स। व्हाई आई लाइक ऑल द बेसिक टी शर्ट्स, आई डोंट नो, मुझे प्रिंटेड उतने पसंद नहीं आते हैं, पर बेसिक प्लेन टी शर्ट्स आर माई फेवरेट, व्हाइट हो ब्लू येलो वट एवर कलर। सो दिस इज अ ब्राइट येलो कलर, तो बहुत ही ब्राइट कलर है इसका, और पर येलो है, कोई मतलब रेडिश येलो नहीं है, प्रॉपर येलो है, तो ये व्हाइट के साथ मुझे लगता है काफी सही जा रहा है। और हमने अभी तक एक भी येलो ट्राई नहीं किए थे, तो एक नया है येलो ट्राई करते हैं, तो ये देखते हैं कैसा लगता है। तो एक प्लेन एंड सिंपल टी शर्ट है, आप इसके साथ कोई भी स्निकर ले लो व्हाइट कलर के, तो वो तो बेस्ट ही जाएगा स्निकर, और तो कुछ मतलब चाहिए नहीं, मतलब आप बस एक स्निकर ले लो, अपने पर्स ले लो, अपने फोन ले लो, अगर कोई भी साइड बैग लेना है तो मुझे लगता है व्हाइट कलर के कुछ भी जाएगा इसके साथ। और व्हाइट के साथ एक्चुअली व्हाइट येलो के साथ ब्लू भी जाता है, तो अगर आप ब्लू कलर के स्निकर पहन लो तो एक ब्लू बैग जरूर यूज करना, वो भी बहुत ही कूल लगेगा। एंड दिस इज अ कूल आउटफिट, व्हाट यू से, कूल नहीं लग रहा है ये? तो मुझे तो ये बहुत ही कूल लग रहा है, तो आप ट्राई जरूर करना ऐसा कुछ, और बताना मुझे कि आपने क्या क्या ट्राई किए हो और आपका क्या आउटफिट आइडियाज है, तो मुझे भी पता चलेगा, मुझे भी बहुत हेल्प मिलेगा कि आप मेरी बहुत हेल्प कर रहे हो। तो बताना आपको कौन सा अच्छा लगा और क्या न्यू सजेशंस है, तो जरूर आप बताना मुझे। नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं येलो, ये एक वन शोल्डर स्ट्रैपी टॉप है, इसमें भी स्ट्रैप्स है, तो ये काफी कूल है, इसमें थोड़ा प्रिंट है, प्रिंट भी फ्लावर प्रिंट है, और ये येलो भी मुझे बहुत सही लगता है और इसका स्टाइल अच्छा लगता है, वी शुड ट्राई वन शोल्डर सम टाइम, दैट्स ऑल्सो वेरी स्टाइलिश। और इसे हम कोई भी मतलब आप कहीं बाहर जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कहीं पर भी आप इसे पहन सकते हो, इतना भी कुछ छोटा नहीं है,
और उतना भी रिवीलिंग टाइप का नहीं है, बस थोड़ा सा वन शोल्डर है, पर यू नो आई जस्ट ऑलवेज डू लाइक दिस, तो ये कवर हो जाता है. तो दिस इज माई ट्रिक, लाइक दस मतलब ये लगे कि भाई छोटा दिख रहा है, तो दिस इज माई ट्रिक, तो आई ऑलवेज डू लाइक दैट. बट आई लव टू वेयर ऑल दिस डिफरेंट स्टाइल. तो आप बताना जरूर कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है. और ये येलो मतलब काफी अच्छा है और इसका लेंथ अच्छा है, तो ये मैं टक इन कर ली हूँ. तो ऐसे टाइप का कोई आप ट्राई करो और मुझे बताना कि ये स्टाइल कैसा लगा, तो मुझे हेल्प हो जाएगा कि ये कौन सा स्टाइल सबसे ज्यादा अच्छा लगा. आई नो वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, बट यस वी शुड ट्राई. मतलब व्हाइट जीन्स इज माई फेवरेट जीन्स, लाइक आई हैव 2-3. तो मतलब मुझे नहीं पता, मुझे व्हाइट जीन्स से बहुत प्यार है, मुझे व्हाइट से बहुत प्यार है, मुझे सारे कलर से ही प्यार है, पर व्हाइट कुछ ज्यादा ही फेवरेट है. तो ये बताना जरूर कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है और कौन सा स्टाइल में ट्राई करूँ. प्लीज इंस्टाग्राम में फॉलो भी करना मुझे, और मतलब बताते रहना और वीडियो देख रहे हो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना. प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू यू नो सब्सक्राइब. प्लीज थोड़ा सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा प्यार दिखा दो मुझे. प्लीज कीप इन टच विथ मी इन इंस्टाग्राम. तो हम मिलते रहेंगे इंस्टाग्राम में. अभी मैं आपको पूरा वीडियो मतलब पूरा लेंथ दिखाती हूँ कैसे लग रहा है. ये है एक प्रिंटेड स्ट्रैपी आउटफिट जो मुझे काफी पसंद है, काफी कंफर्टेबल है और काफी प्यारा सा कलर है.
काफी न्यूट्रल है, मतलब एकदम न्यूट्रल कलर है, थोड़ा थोड़ा सा प्रिंट है इसमें, और प्रिंट भी बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, क्यूट सा। तो ये आउटफिट, मतलब ये टॉप मुझे बहुत ही क्यूट लगता है। तो आप बताना आपको ये क्यूट लगा कि नहीं, तो मुझे पता चल जाएगा मतलब कि मैं ट्राई करूं कि नहीं। तो ये एक मतलब कैजुअल आउटफिट है जो आप नॉर्मल डेज में पहन सकते हो, और मतलब कहीं पर भी पहन सकते हो, क्योंकि बहुत ही कूल कैजुअल है। और ये कॉटन का है तो मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है, तो मुझे कॉटन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कंफर्टेबल होता है, और कॉम्फर्ट्स तो सबसे पहले आता है, यू नो गाइज, यू नो मी। सो कंफर्टेबल तो होना ही चाहिए क्लोथ्स, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो मतलब मजा नहीं आता है। तो ये आपको दिखा रही हूँ मैं कैसा लगता है ये आउटफिट, और इसके साथ आप कोई भी मतलब मतलब कुछ भी ले सकते हो, जस्ट प्लेन एंड सिंपल स्ट्रैपी आउटफिट। इसके साथ आप कोई भी न्यूट्रल कलर का बैग ले लो, शूज पहन लो। मुझे लोफर्स भी अभी काफी पसंद आने लगे हैं, क्योंकि वो काफी मतलब कंफर्टेबल होते हैं और काफी इजीली वेयरेबल है। तो मतलब आप बगल में कहीं पे जा रहे हो तो लोफर्स पहन सकते हो, क्योंकि हमें शूज और बूट्स तो मुझे पसंद ही था, तो अभी न्यू मेरा एडिशन है लोफर्स, तो मैं लोफर्स भी ऐड कर रही हूँ। तो आप बताना, मैंने एक येलो लोफर्स लिए है जो मैं इंस्टाग्राम में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, प्लीज आप इंस्टाग्राम में रहना। तो हाँ मतलब यहाँ पे भी शूज नहीं दिखा पाती हूँ, तो हाँ मतलब वो एक है जो मैं सोच रही थी इसके साथ भी बहुत सही जाएगा। और लोफर्स काफी मतलब कंफर्ट होते हैं और काफी इजिली, मतलब आपको 2 मिनट में निकलना है तो लोफर्स पहनो और निकलो, मतलब इट्स जस्ट लाइक इट सो इजी। तो मुझे अभी ये नया ट्रेंड आया है, मुझे लोफर्स लेना है, और भी कलर सजेस्ट करना मुझे, कौन कौन सी कलर का लोफर्स मैं ट्राई कर लूं, तो बताना जरूर मुझे। और ये आउटफिट कैसा लग रहा है वो भी बताना। गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज आप लाइक करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब करते तो बिल्कुल ही मत भूलना, और इंस्टाग्राम में बिल्कुल आप फॉलो करना मुझे, तो हम वहां पर भी जुड़ सकते हैं और बहुत ही इंटरैक्टिव से मतलब स्टोरीज डाल सकते हैं। तो आपकी सारी आइडियाज, आपकी सारी मतलब क्या है, कौन सी आउटफिट सही लग रहा है, कौन सी नहीं, कौन सी न्यू ट्राई करना है, कौन सी फैशन अच्छा लग रहा है, ये सब हम इंस्टाग्राम में मतलब जुड़ी सकते हैं। और इंस्टाग्राम तो हम रेगुलर करते हैं, तो रेगुलर वहां पे हम जुड़ेंगे। तो गाइज प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड प्लीज मेरे वीडियोज देखते रहना और लाइक करना। बाय बाय, थैंक यू।